हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम फिर से आ गए हैं आर्क सर्वाइवल की कवर्ड वीडियो में। तो गाइज ये हमारा मल्टीप्लेयर सीरीज का तीसरा एपिसोड है, और भाई हमने पहले एपिसोड में तो पैसोर और रिसोर्स वगैरह थोड़ा सा कलेक्ट किया था, और हमने दूसरे एपिसोड में ये भाई वुड का बेस वगैरह बना लिया था। और भाई आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है। अगर आपने भाई पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो भाई जाके देख लेना। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो नीचे रेड कलर का आइकन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और कई आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अर्जन ट्रेविस को टेम, क्योंकि भाई फ्लायर नहीं है तो मतलब रिसोर्सेज वगैरह मतलब कुछ भी मतलब कहीं पर भी जाना हो तो भाई जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और तो इधर भाई थेरी वगैरह बहुत तगड़े से घूमता रहता है। तो भाई इसी की वजह से हमको एक फ्लायर चाहिए। तो आज या तो पेट्राडॉन या तो आरजी, भाई आरजी को टेम करने की कोशिश करेंगे। पेट्राडॉन मिल जाएगा तो भाई उसी को भी टेम कर लेंगे, क्योंकि आरजी भाई ज़्यादा वेट उठा सकता है, इसीलिए हम आज आरजी को टेम करेंगे। और इस साइड स्टोरेज बॉक्स थे, इसमें मैंने सामान वगैरह रख दिया था जो बाहर थे स्टोरेज बॉक्स, उसमें से ये भाई इसमें सामान है, और इसमें मिट्टी में भी थोड़ा सा है सामान, और इसमें एरो है, मेरे थे एरो मैंने बनाए थे, ले लेते हैं। और भाई रेडी करते हैं अपना सामान और फिर चलेंगे अर्जन ट्रेविस को टेम करने। और यहाँ पे गाइस मैंने ब्लूप्रिंट रखने के लिए कोई बुक सेल्फ वगैरह नहीं बनाई थी, इसीलिए मैंने बुक सेल्फ बना ली दो ठो। अब भाई इसमें ब्लूप्रिंट रख सकते हैं यहाँ पे, और इसको प्लेस कर देते हैं इधर। और स्टोरेज बॉक्स में तो 45 ही स्लॉट होते हैं, और इस बुक सेल्फ में कुछ ज़्यादा स्लॉट होते हैं, तो मतलब ज़्यादा ब्लूप्रिंट इसमें रख पाएंगे। ये देखो भाई 100 स्लॉट होते हैं ब्लूप्रिंट रखने के लिए इसमें, और स्टोरेज बॉक्स में भाई केवल 45 स्लॉट होते हैं। और कई यहाँ पर ओन हमको स्वॉर्ड देने वाले हैं, इन्होंने भाई पता नहीं कहाँ से लाए हैं स्वॉर्ड, और ये शायद नॉर्मल वाला है। हाँ नॉर्मल वाला है भाई, स्मिथी में बनाए होंगे नॉर्मल वाला स्वॉर्ड, इसको इक्विप कर लेते हैं। और कई बाद में टेर बर्ड हंट करेंगे, उससे असेंडेंट लेवल का स्वॉर्ड मिल जाएगा अपने को हाई डैमेज का। और हमको भाई पैसो भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, आरजी को टेम करना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एरो भी बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, इसलिए भाई हम कर लेंगे हंट डिलोफोसोरस। हंट डिलोफोसोरस करेंगे तो उससे जो बो होता है वो हाई डैमेज का मिल जाएगा, तो मतलब हाई डैमेज का होगा तो टॉक्सिक हंट आर मारेंगे तो ज़्यादा टॉर्पर चढ़ेगा उसको। तो भाई चलते हैं डिलोफोसोरस हंट, मतलब 3 डिलोफोसोरस को मारना पड़ेगा। और भाई मेरे को डिलोफोसोरस हंट में मिलते नहीं हैं डिलोफोसोरस, पता नहीं क्यों भाई, जब मैं डिलोफोसोरस हंट करता हूँ तो मिलता ही नहीं है एक भी भाई। इधर थेरी वगैरह है, इससे बच के भाई जाना पड़ेगा, नहीं तो अपने को एक ही बार में भाई निपटा देगा ये। और कई फाइनली इतना ढूंढने के बाद भाई इतने टाइम के बाद ये तीसरा डिलोफोसोरस है, अब बस इसको मारना है और हमारा हो जाएगा भाई, हो गया अपना डिलोफोसोरस हंट कम्प्लीट पैराशूट। और इसमें हमको बो मिल चुका है भाई, देखते हैं कितने 146 डैमेज का मिला है भाई, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक है बस 145। तो गाइस चलते हैं इस साइड से अब, और हमको हंट मेगा पिराना भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम आरजी को पकड़ेंगे, आरजी भाई बहुत ही देर लगाता है टेम होने में, और उससे हंट मेगा पिराना से हमको सूथिंग बाम मिल जाएगा एक, तो भाई उसको खिला के आराम से जल्दी से टेम कर सकते हैं आरजी को, इसलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं हंट मेगा पिराना। भाई इधर ही मार्कर दिखा रहा है पानी में, चलते हैं पानी के साइड में देखते हैं भाई पिराना हमको दिखती है या नहीं दिखती है। भाई अभी तो कपल ऑफ स्पीयर्स बनाने को बोल रहा है, लेकिन वो हो जाएगा भाई, पैराशूट हो जाएगा एक ठो, जब पास में आएगी उसको मारेंगे तो हो जाएगा अपना पैराशूट, ये मतलब बोलने लगेगा आगे के मारने के लिए। और यहाँ पर ये आ गई, इसको निपटा देते हैं जल्दी से भाई, इसकी हेल्थ इससे स्वाड़े से मारते हैं भाई, एरोज कब तक मारेंगे। चलो भाई एक ठो निपट गई, और यहाँ पर देखो आ गया किल 5 मेगा पिराना से, एक क्लियर हो गई। अभी मेरे को 4 ठो ढूंढना है, उनको पेलना है, तो मैं ढूंढता हूँ जल्दी से भाई, एक और आ गई, इसको भी निपटाते हैं जल्दी से। और कई सब लास्ट मेगा पिराना है उसको क्लियर करना है, और ये आ गई, इसको भी हटाते हैं। चलो भाई अपना मेगा पिराना पैराशूट कंप्लीट हो गया। और इधर थेरी एंड ये सार को लड़ रहे हैं भाई, इसमें कौन जीतेगा, शायद सार को निपट भी गया, और हमको यहाँ पे सूथिंग बाम मिल गया है भाई, अभी निपटा सार को,
थेरी ओपी है, सार्को को निपटा दिया, सार्को 100 लेवल का था और थेरी के पास भाई जाना नहीं है, भाई एक ही अटैक में अपने को निपटा देगी। और गाइस यहाँ पे मेरा ट्रैप भी रेडी हो गया आरजी को भाई ट्रैप करने के लिए। मैंने डायनासोर गेट बना लिए हैं और गेट फ्रेम और पिलर, भाई ये आराम से ये छोटा सा ट्रैप बना के भाई उसको कैद कर लेंगे और आराम से टेम कर लेंगे। और भाई हमने स्लीपिंग बैग भी बना लिए हैं, अगर मरने वाले होंगे तो भाई पहले भी बेड लगा देंगे और जो मरें फिर हम रिस्पॉन हो सकें जल्दी से। और भाई यहाँ पे पेट्रा घूम रहा है 75 लेवल का, ईरी वाला है भाई, टेम कर लें क्या इसको? चलो भाई कर लेते हैं इसको भाई, पे ऐसे घूम रहा है बेस के पास में और इतना ईजी मतलब मिल गया है तो नॉक ही कर देते हैं, बाद में देखेंगे इसको मीट वगैरह देने को। अपने पास सूथिंग बाम तो बचेगा नहीं क्योंकि आरजी को टेम कर लेंगे भाई, इसको तो नॉर्मल मीट से ही करना पड़ेगा टेम। अब वो वैसे 75 लेवल का है, हो भी जाएगा जल्दी से। अब इसको एरो मारते हैं इसके हेड पे और नॉक, चलो नॉक हो गया हमारा पेट्रा एक ही एरो में। और ये 75 लेवल का भाई, इसका लेवल भी बहुत कम ही प्लस होगा डैमेज इफेक्टिवनेस से। भाई इसको पड़ा रहने देते हैं थोड़ी देर और इसका फूड लेवल डिक्रीज होता है, फिर इसको फूड वगैरह देंगे। ओके यहाँ पे मेरे पास एम्बर तो है, मैं सोच रहा हूँ चीप स्टेशन बाई करने को। यहाँ पे चीप स्टेशन बाई कर लूँगा तो उसमें डाइनो को किबल वगैरह देने में आराम रहेगा, जल्दी से टेम हो जाएंगे। वही 25 एम्बर का है चीप स्टेशन, इसमें सारी किबल आपको मिल जाएंगी। ये मैंने बाई कर लिया, इसमें 200 मिक्सचर मिले हैं मेरे को 25 एम्बर में। और ये देखो भाई सारा का सारा किबल मिल जाएगा, मैं इससे 4 बार बाई कर सकता हूँ, मतलब 4 बार बाई करूँगा तो हर बार बाई करने पर 3 किबल मिलेगा एक डाइनो का। तो अभी के लिए इसको पिक कर लेते हैं, जब आरजी को टेम करेंगे तो 7 किबल दे दें अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हुआ तो। और यहाँ पे पेट्रा अपना पड़ा हुआ है, और कैसे प्राइम मीट देना पड़ेगा इस पेट्रा को, तो उसके लिए हमको पैसर को मारना पड़ेगा। पैसर अभी इधर ही टहल रहा था भाई, एक तो लेवल का था और 1000 के आसपास उसका हेल्थ था, तो भाई आराम से उसको मार सकते हैं, उससे भर भर के प्राइम मीट भी मिल जाएगा। अरे थेरी भाई अपने बेस के पास जा रहा है, अपना भाई पैरासोर को ना निपटा दे ये। और इस पैरा क्राथियम क्या भाई नाम होता पता नहीं इसका, इसको निपटाते हैं जल्दी से और प्राइम मीट फार्म करते हैं इससे। भाई 600 हेल्थ बचा, 1000 था, 1000 मतलब 1140 था हेल्थ, और उसमें से चलो भाई निपट भी गया। भाई कितना एरो मारते हैं कितनी जल्दी, मैं तो मार ही नहीं पाता हूँ भाई, अल्लाह कितना करता है मेरा फ़ोन। भाई हार्वेस्ट करते हैं इस जगह प्राइम मीट, चलो भाई प्राइम मीट तो मिल रहा है, 5x मिल रहा है, 3 मिला, चलो भाई काफ़ी प्राइम मीट मिल गया, इतना तो भाई पेट्राडोन खा नहीं पाएगा, सारा स्पॉयल हो जाएगा। चलो भाई इसका बॉडी तो भाई बहुत ज़्यादा मीट मिल गया इससे, और अब पेट्रा को दे देते हैं अपना प्राइम मीट और देखते हैं एक बार में कितना होता है अपना पेट्रा, ये काफ़ी देर से पड़ा हुआ है, देखते हैं प्राइम मीट इसको। और यहाँ पे 9.2% हो रहा है, तो मतलब 11 मीट प्राइम मीट खाएगा भाई, 11 प्राइम मीट खाएगा फिर जाके होगा टेम ये। तो भाई इसको पड़ा रहने देते हैं, अब हम इसको बायोटॉक्सिन खिला देते हैं, 300 उसका टॉर्पर अभी है और 600 है पूरा मैक्स, तो 10 खिला देते हैं भाई इसको ये बायोटॉक्सिन। चलो भाई हमने बायोटॉक्सिन भी फीड करा दिया, अब इसका टॉर्पर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तब तक हम भाई आरजी को ढूंढते हैं। भाई आरजी इस साइड मिल भी जाएगा आराम से, और आरजी मिल जाएगा उसको ट्रैप लगा के भाई ट्रैप कर देंगे, और शायद से ईरी वाला भी मिल जाए। ए यहाँ पर भी टहल रहा है एक ठो आरजी, भाई अपने पास स्पाई ग्लास नहीं है, पता नहीं ये कितने लेवल का होगा, इनसे पूछता हूँ ये कितने लेवल की है, भाई इनको भी कैसे पता चलेगा, इनके पास भी स्पाई ग्लास नहीं होगा। भाई इसको मतलब ये आसमान में उड़ रहा है, भाई इसको नीचे कैसे लाएं, भाई इसको ही टेम करने का कोशिश करें क्या, पता नहीं इसका कितना लेवल होगा। और अगर ये कम लेवल का होता तो अभी तक ये सर्वाइव नहीं कर पाता, ये हाई लेवल का ही होना चाहिए इसलिए अभी तक ये सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे। तो भाई इधर ट्रैप वगैरह बिल्ड करते हैं और देखते हैं भाई ला पाते हैं नहीं ला पाते हैं, अगर हम नहीं ला पाए तो भाई ट्रैप वगैरह हटा के वहीं फिर से ट्रैप बना लेंगे, इधर प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे दूसरा वाला, और अब पिलर, और यहाँ पर कर देते हैं पिलर को प्लेस। चलो भाई पिलर हो गया, और यहाँ पे, और यहाँ पे 3 ठो पिलर हो गया भाई ठीक। और इधर कर देते हैं अपना गेट,
गेट हो जा प्लेस भाई, इधर हो गया अपना गेट प्लेस। अब भाई ट्राई करते हैं आरजी को ट्रैप में लाने का। और भाई काफ़ी कोशिशों के बाद भाई इतना देर लगा है ना इसको लाने के लिए, भाई पानी के अंदर गया मैं, फिर इसको एरो मारा और वहाँ से भाई इसको लाया हूँ। और अब इसको कर देते हैं ट्रैप के अंदर। चलो भाई आ गया, अब इसको बंद करते हैं निकल के जल्दी से। ओ चलो शायद हो गया, ए नहीं हुआ भाई, निकल आया भाई, मेरी गलती वजह से निकला, मैं अंदर की तरफ जाता तो ये नहीं निकल पाता। चलो अभी हो गया शायद। और हाँ भाई ट्रैप हो गया हमारा आरजी ईरी वाला, और बस अब इसको नॉक कर रहे हैं। और ये 210 लेवल का है मेल आरजी, और इसके 2500 हेल्थ है भाई, अब इसको नॉक ही करना है। और इसका हेल्थ तो भाई काफ़ी ज़्यादा ही है, देखते हैं भाई कितना एरो लगता है इसको नॉक करने में। और गाइस हमने इसका हेल्थ काफ़ी लो कर दिया है, यहाँ पे इसका 600 हेल्थ बचा है सिर्फ, और अभी 500, और ये भगने लगा है अभी, तो शायद नॉक हो जाए और आयरन ना मारना पड़े, क्योंकि 2500 हेल्थ था, फुल मैक्स था, केवल 100 हेल्थ ही कम था, और उतना भाई आयरन मारा तो इसका मतलब नॉक हो जाना चाहिए था अभी। चलो हो गया नॉक भाई, इसका टॉर्च पर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, और उनने भाई यहाँ पे आयरन एक्स्ट्रा मार दिए होंगे। और यहाँ पे स्टैट्स देखो इसका, 2500 हेल्थ है, और स्टैमिना भी भाई बहुत तगड़ा होता है आरजी का, भाई स्टैमिना तो ख़त्म नहीं कर पाओगे आप आरजी का। पेट्रा का तो भाई इतना टट्टी स्टैमिना होता है, थोड़ा उड़ के भाई बैठ जाता है। और अब हमको प्राइमेट लाना है, प्राइमेट देकर ही टेम करेंगे, और इसको सूथिंग बाम दे देंगे और प्लस प्राइमेट, तो भाई जल्दी स्टेम हो जाएगा, केवल देने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। और ये भाई प्राइमेट के लिए थेरी को मारने वाले हैं, भाई थेरी को अपने पीछे भगा रहे हैं, भाई एक क्लो मारा तो इनको निपटा देगा ये थेरी। और ये भाई एरो वाला लगा लेते हैं, नहीं तो भाई टैंक एरो अपना वेस्ट होगा फालतू में। कहाँ गया भाई, उधर इतनी दूर निकल गए इतनी जल्दी, भाई इनको भाई निपटा देगा, मेरे को पक्का लग रहा है ये निपट जाएंगे यार तेरी से। भाई मेरा एक भी एरो नहीं लग रहा है अभी तक, लगा ही नहीं भाई, 200 हेल्थ बचा है इसका, ये निपटा भी दिए ये, भाई इनके पास कौन सा वो है इतना, मतलब भाई इतना तगड़ा डैमेज देते हैं ये, भाई निपटा दिए इतनी जल्दी। इसको हार्वेस्ट करते हैं, देखते हैं भाई प्राइमेट मिलता है या नहीं मिलता इससे। और यहाँ पे 2 प्राइमेट मिले, एक और मिला, चलो भाई 4 टोटल प्राइमेट मिल गए अपने को, देखते हैं भाई पहले तो ये स्पॉयल हो जाते हैं प्राइमेट जल्दी, 4 ही मिले तो भी ठीक है, अगला कोई डायनो देखेंगे मारेंगे उसको। और यहाँ पे सूथिंग बाम लग गया, और प्राइमेट दे देते हैं नॉर्मल मीट, और अभी देखते हैं ये कितना परसेंट होता है एक प्राइमेट से, अगर भाई कम हुआ तो कीबल ही देना पड़ेगा इसको। तो कहिए फीड करने वाला है अब, और यहाँ पे 22.8% हो रहा है भाई प्राइमेट खाने पर, तो प्राइमेट से ही कर लेते हैं भाई, ज़्यादा हो रहा है मतलब 20%, तो 5 प्राइमेट लगेगा केवल, बस 5 से भी कम लगेगा शायद, 5 या 4 शायद लगे, देखते हैं भाई कितना प्राइमेट लगता है और कितना टाइम लगता है इस आरजी को टेम होने में। और भाई उस साइड पेट्रा भी नॉक है, उसको भी वो बायोटॉक्सिन खिलाना पड़ेगा उस साइड जाके। और कहीं यहाँ पे अपना पेट्रा भी टेम होने वाला है, बस इस बार किबल खाएगा, किबल नहीं मतलब प्राइमेट खाएगा और हो जाएगा टेम। और उस साइड आरजी भी भाई इसी तरह से मतलब दोनों साथ में ही टेम होंगे, ये 92% हुआ है, और उधर आरजी को देखते हैं भाई कितना परसेंट हुई है आरजी अपनी, आरजी भी भाई लास्ट मतलब प्राइमेट खाने वाली होगी, देखते हैं ये कितना परसेंट हुई है इधर आरजी। और इसका मैं ट्रैप वगैरह हटा दिया था, और ये 91% हुई है भाई, इस बार ये भी हो जाएगी प्राइमेट खाने पर। और भाई आरजी अपना बस होने वाला है, और हो गया अपना आरजी टेम। यहाँ पे ये 314 लेवल का है, और इसकी 4000 हेल्थ है भाई, काफ़ी अच्छी लेवल का मिल गया हमको, और स्टेमिना भी काफ़ी है, और वेट भी भाई 600 अराउंड वेट है इसका, तो भाई इसका सैडल लेकिन अभी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमने भाई बहुत ही जल्दी टेम कर लिया, केवल ये हमारा थर्ड एपिसोड है, थर्ड ही एपिसोड में अपने आरजी को टेम कर लिया, और अपने पास अभी चिटिन नहीं है, केवल चिटिन की ही कमी है, अभी हमको केओ जाना पड़ेगा, या तो भाई इधर उधर से फार्म करके लाना पड़ेगा। और इधर पेटरा भी अपना हो चुका है टेम, और इसका भी भाई स्टैट्स भाई इसका बिल्कुल बेकार होता है पेटरा का, वैसे अगर हाई लेवल का हो तो ठीक ठाक है, वैसे आरजी ही भाई ठीक ठाक है भाई, वेट अच्छा खासा उठा सकती है, और किसी को मारने में भाई काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे सैडल अनलॉक करते हैं पेट्रा और आरजी का,
और यहाँ पे आरजी का सैडल 62 लेवल पर खुलता है भाई। इसको 150 चिटिन लगने वाले हैं, और पेटरा में भाई 75 चिटिन। भाई इतना चिटिन कहाँ से लाएंगे, हमारे पास इतना चिटिन है भी नहीं। तो भाई कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा चिटिन के लिए, तभी इसका हम सैडल बना पाएंगे। और कई हम चिटिन फार्म करते करते इस साइड आ गए थे, इस साइड स्कॉर्पियन टहलती रहती हैं, और स्कॉर्पियन को मार के भाई अच्छा खासा चिटिन मिल जाता है। और पुलनों में स्कॉर्पियन को मारते हैं, इधर देखते हैं भाई मिलती है हमको नहीं मिलती है। और इधर वैसे मिल जाती है भाई, इस साइड बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियन और बहुत ज़्यादा भसड़ मचती है डाइनो की, इसलिए भाई हमने आरजी को पीछे रख दिया, नहीं तो हम गलती से भी मर गए तो अपना आरजी भी निपट जाएगा उधर। और ये पता नहीं किधर गए भाई, इधर आरजी बहुत ज़्यादा ही टहल रही हैं। और यहाँ पर भाई स्कॉर्पियन देखो भाई, यहाँ पे है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को मार के भाई चिटिन मिल जाएगा हमको अच्छा खासा। देखते हैं भाई मार के हम ना मर जाएं इस भसड़ में, मारते हैं इसको जल्दी से। वैसे इसका भाई हेल्थ तो काफ़ी कम हो गया है, और निपट गया भाई स्कॉर्पियन निपट गया, जल्दी से इसको हार्वेस्ट करते हैं, नहीं तो कोई और डाइनो आके हार्वेस्ट करके चला जाएगा। चलो भाई हार्वेस्ट हो जा, चलो हो गया हार्वेस्ट, 32 हमको चिटिन मिला, बस केवल 32 ही चिटिन मिला भाई हमको, भाई इतना कम चिटिन मिला हमको, 150 चिटिन चाहिए आरजी का सैडल बनाने के लिए। और ये इसका बॉडी भाई, इसमें 3 एरो हैं, 3 एरो ले लेते हैं, बाकी एक सामान भाई फालतू का है। और चलते हैं भाई और पुलों में स्कॉर्पियन ढूंढते हैं और मारते हैं, चिटिन कलेक्ट करते हैं। और गाइस मैंने 2-3 ठो स्कॉर्पियन को मारा भाई, चिटिन वगैरह मिल गया है थोड़ा बहुत भाई, बन जाएगा इतने में सैडल। और गिगोटा जी भी दे दिए हैं थोड़ा सा चिटिन, और 162 चिटिन था टोटल। और अपना आरजी का सैडल तो बन गया है, अब भाई आरजी को पहना देते हैं, इतनी देर से ऐसे ही टहल रहा है बिना सैडल के। चलो भाई सैडल इसको पहना दिया, और भाई अभी अपनी आरजी रेडी हो गई है, अभी केवल पेटरा के लिए अपन को सैडल बनाना है, तो थोड़ा और एक दो स्कॉर्पियन को मारना पड़ेगा। अभी तो भाई इजी है स्कॉर्पियन को मारना, क्योंकि आरजी के ऊपर बैठ के आराम से मार सकते हैं स्कॉर्पियन को। और कहीं ऐसे ही मारना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इतनी मुश्किल से मारा है हमने भाई, इतने सारे डायनो यहाँ पर घूमते रहते हैं, मरने का फुल खतरा रहता है। और भाई यहाँ पे 3 ठो स्कॉर्पियन थी, मैंने एक को तो निपटा दिया भाई, उससे काफ़ी चिटिन मिल गया भाई। आरजी से मारने पर चिटिन काफ़ी मिल जाता है भाई, पिछली बार नहीं पता था, नहीं तो आरजी से ही हार्वेस्ट करवाते तो चिटिन काफ़ी मिल जाता। इनको भी निपटा देते हैं, और इससे देखो 62 चिटिन मिला। और वैसे हाथ से मारने पर हमको भाई इससे मतलब हाफ ही चिटिन मिल रहा था। अभी अपना पेट्रा का सैडल भी बन जाएगा आराम से, और इसका लेवल आ गया भाई, इसका स्पीड में ही डाल देते हैं भाई। स्पीड मतलब आरजी का बहुत ज़्यादा ही चाहिए भाई, कहीं पे जाने के लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर स्पीड नहीं होता है। और यहाँ पे गिगोटा जी हैं, इनको पिक करते हैं और लेकर चलते हैं बेस पे, और अपना पेट्रा का सैडल वगैरह बना लेंगे अब तो। और गाइस अगले एपिसोड में हम वुल्फ को टेम करेंगे, क्योंकि भाई हमको केव करना है, हंटर केव भाई जब तक नहीं करेंगे तब तक भाई सूथिंग बाम की कमी चलती रहेगी अपने पास, और जब से हंटर केव कर लेंगे तब से भाई हमको हमारे पास सूथिंग बाम की कमी नहीं होगी भाई। जितने चाहे डाइनो उतने टेम कर सकते हैं, जितने चाहे सूथिंग बाम उतने ला सकते हैं हंटर केव से। तो गाइस इसीलिए हम अगले एपिसोड में वुल्फ टेम करेंगे। तो गाइस फिर आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर देते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया होगा। तो गाइस फिर वीडियो कैसा लगा भाई आपको, आप कमेंट वगैरह करके बताना। और गाइस अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और गाइस हमारे चैनल पे न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे आर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिप बाय।